हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूँ एक और छापा फैक्ट्री पर जिसका टाइटल है 20 फेमस सॉन्ग्स विच इंडिया कॉपीड फ्रॉम पाकिस्तान शॉकिंग। ये वीडियो सभी सुमेर की तरफ से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना देरी के देखते हैं कुछ और गाने, जो शायद कुछ और गाने मुझे सुनने को मिलेंगे जो कॉपीड हैं और मुझे नहीं पता हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के लोगों को अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बड़ा ही गुरूर है। वो कहते हैं कि हमारे गुलकार और हमारे एक्टर जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे ही गानों के बारे में बताने जा रहा हूं जो गाने उन्होंने टोटली पाकिस्तान से सेम टू सेम कॉपी करके अपने मुल्क में खूब छापे हैं। और हैरत की बात यह है कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब छापा है। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले हम जिस गाने के बारे में बात करेंगे, इस गाने को बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज है और इस गाने पर मशहूर डांसर नोरा फातेह ने परफॉर्म किया है। अब ये गाना जिसने भी सुना होगा उसने यही सोचा होगा कि ये कोक स्टूडियो के गाने की कॉपी है जो 2016 में पाकिस्तान में रिलीज किया गया। और कोक वाले जिसे चाहे ये गाना गवा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया। लेकिन आप ये बात जानकर काफी हैरान होंगे कि असल में ये गाना 1986 में नूरजहां ने मशहूर फिल्म चांद ते सुरमा के लिए गाया था। यकीन नहीं आता तो चलिए आप देख भी लें और सुन भी लें। जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्ते में विजेते 2 का गाना जो आजकल बहुत मशहूर हुआ है, मेरी जिंदगी है तू। लेकिन ये गाना 90 की दिहाई में सबसे पहले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था। तो अगर आपको यकीन नहीं है तो पहले सुनते हैं छापा और फिर ओरिजिनल। गम है या खुशी है तू, और अब जिस गाने के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टी सीरीज ने फरवरी 2021 में इसको रिलीज किया था। इस गाने को मशहूर सिंगर जुबन नौटियाल ने गाया और इसमें इमरान हाशमी ने एक्ट किया। ये गाना सुपर डुपर हिट रहा और इसके मेकर इसकी कामयाबी पर बहुत फख्र करते रहे। लेकिन वो ये बात शायद भूल गए कि इस गाने को इन्होंने पाकिस्तान के मायानाज सिंगर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से चोरी किया। लो जी, ये भी बिल्कुल सेम ही है। नेक्स्ट है गाना बूहे बारियां, इंडिया के बहुत ही मशहूर सिंगर दर्शन रावल ने 2019 में गाया, जबकि हदीका क्यानी जो कि पाकिस्तानी बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, इन्होंने 1998 में ये गाना गाया था। बूहे बारियां ते नाले कंदा टपके, तू आ जावी हवा बनके, बूहे बारियां है बूहे बारियां। और नेक्स्ट है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये गाना भी सुपर हिट रहा और जिस जिसने सुना उसका फेवरेट बन गया। इस गाने को 2017 में फिल्म मशीन के लिए बनाया गया। जब इस गाने को रिलीज किया गया तो यही कहा गया
कि ये अक्षय कुमार की 1994 की फिल्म के गाने का रीमेक है। लेकिन आप सबको ये बात जानकर काफी हैरानगी होगी कि ये दोनों गाने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली की कॉपी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो सुन लें, बारी बारी आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त। आठ में विवेक ओबराय की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिशन इस्तांबुल। इस फिल्म का एक गाना एक बात कहूं दिलदारा आज से 50 साल पहले पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर पिक्चराइज हो चुका था। एक बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने मुझको मारा। एक बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने मुझको मारा। अगला गाना है मुन्नी बदनाम। मुन्नी बदनाम हुई वो गाना था जिसने बॉलीवुड फिल्म्स में आइटम सॉन्ग्स का एक अलग ही लेवल बना दिया। इससे पहले आइटम सॉन्ग्स पर शदीद तनकीद की जाती थी, लेकिन मुन्नी बदनाम के बाद सब आइटम सॉन्ग्स को बहुत पसंद करने लग गए। लेकिन इस गाने के फैंस ये बात जानकर काफी मायूस होंगे कि ये गाना पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ की फिल्म मिस्टर चार्ली से लिया गया जो 1992 में रिलीज की गई। अगर आपको यकीन नहीं तो दोनों गाने आप खुद सुन लें। और बॉलीवुड की डिठाई देखें कि 2020 में फिर इसी तर्ज का एक और गाना रिलीज कर दिया। ये दूसरे उसमें नेक्स्ट है वो गाना जो मशहूर सिंगर योयो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ ने गाया, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। ये एक आइटम सॉन्ग था जो गब्बर इज बैक फिल्म में पेश किया गया, लेकिन ये गाना आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तानी सिंगर नसीबो लाल गा चुकी थी। थोड़ा सा अगला गाना है बाजरे दा सिट्टा। इस गाने को भी इंडिया की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी सोनी म्यूजिक इंडिया ने जनवरी 2021 में रिलीज किया। ये गाना बहुत हिट हुआ और खुसूसन टिकटॉक पर तो हर किसी ने इस पर वीडियो बनाई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गाना पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर मुसर्रत नज़ीर ने 1980 में पाकिस्तान के किसानों और काश्तकारों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए गाया। जरा सुनिए। कैसे हो सकता है यार। नेक्स्ट गाना हवा हवा जो 2017 में अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारका में था, लेकिन ये बात सुनकर आपको काफी हैरानगी होगी कि ये पाकिस्तान के सिंगर हसन जहांगीर ने 1989 में गाया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मर जावा का ये गाना किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया सबको बहुत पसंद आया। ये गाना फिल्म के साथ ही 2019 में रिलीज हुआ और इसको भी जोबन नोटियाल ने गाया। सब यही समझते हैं कि ये आमिर खान की 1996 की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया से इंस्पायर हुआ है। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये दोनों गाने खान साहब के गाने की कॉपी है जो 1993 में इन्होंने गाया। जरा सुनिए। रब ने बनाया जी कर देखदा कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। हाँ, इसमें थोड़ा क्लेम होगा इसलिए आवाज़ हटा दिया शायद इसका, मुझे भी नहीं आ रहा। लेकिन ये सुना है मैंने,
बार में पाकिस्तान के मशहूर सिंगर वारिस बेग ने गाना गाया था अपनी सुरीली आवाज में, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, जो कि मोमर राना पर पिक्चराइज किया गया था। इस गाने की सेम धुन पर एक गाना सुनने को मिला इमरान हाशमी की फिल्म गैंगस्टर में, जो 2006 में रिलीज की। बहुत प्यारा गाना था, ख्वाबों के कारवां में अच्छा गाना रात था, चलती है, है। कल शब अगला गाना है कदी तेहस बोलवे, 2009 में सैफ अली खान और दीपिका की फिल्म लव आजकल में ये गाना रिलीज हुआ और ये गाना इतना सुपर हिट हुआ कि आज भी लोग इसको बहुत दिल से सुनते हैं। और फिर इस गाने को अभी रिसेंटली आतिफ असलम ने अपने अंदाज में गाया तो सब कहने लगे कि आतिफ ने इंडियन फिल्म का गाना कॉपी किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये गाना 1980 में पाकिस्तान के मशहूर तरीन गुलुकार शौकत अली ने गाया। शौकत अली का गाना है, ओके, ये भी सेम है भाई, सेम, थोड़ा बहुत चेंज हो तो सबर आ जाता है। लेकिन शाहरुख खान और सुष्मिता सेन की एक फिल्म थी जो 2010 में रिलीज हुई थी, दुल्हा मिल गया। उस फिल्म का एक गाना था बेवफाओं के जलवे। ये गाना 2002 में पाकिस्तान के पहले रैपर और मशहूर सिंगर फखरे आलम ने गाया। पहले रैपर अगला गाना है अगर तुम मिल जाओ, ये भी बहुत फेमस हुआ था, जमाना छोड़ उस टाइम में बहुत फेमस हुआ था। 2005 में इमरान हाशमी की फिल्म जहर रिलीज हुई और उसमें ये गाना रिलीज किया गया, लेकिन ये बात जानकर आप काफी चौंक जाएंगे कि 1974 में तसव्वुर खानम ने अपनी खूबसूरत आवाज में फिल्म ईमानदार के लिए ये गाना गाया, जरा सुनिए। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अरे भाई, हम मानते हैं कि हम भी टैलेंटेड हैं, चले आप भी हैं, ये बात भी मानी जा सकती है। अब बात यहाँ पर ये सोचने की है कि हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से बेहतर है कि अगर हम एक दूसरे के काम की तारीफ करें तभी समझ आता है, वरना हमें तो ये निकाल निकाल कर दिखाना ही पड़ेगा भैया कि हमारा काम भी बहुत आला है। हमें पता चला बहुत सारे ऐसे गाने, चाहे वो आमिर खान की मूवी का हो, वो भी नुसरत साहब के, इस तो इसमें ज़्यादातर नुसरत साहब के कॉपी थे और नुसरत साहब के आजकल कॉपी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके रीमेक बनाए जा रहे हैं, उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, गानों को कुछ नया डालकर अपने गाने बताकर रिलीज़ किया जा रहा है। सो कॉपी तो कॉपी होगा, चाहे उसके राइट्स खरीद कर करो या फिर कुछ भी करो, मैं तो कॉपी ही मानूंगा भाई, क्योंकि यार इतने ज़्यादा पुराने पुराने गाने जो ब्लैक एंड वाइट और उनकी पिक्चर्स सही नहीं आ रही हैं, उनकी वीडियोस अच्छी नहीं दिख रही हैं, क्लियर नहीं दिख रही हैं, वो क्वालिटी नहीं है वीडियोज़ में, उन गानों को आज के टाइम में रिलीज़ किया जा रहा है तो वो कॉपी नहीं है, तो और क्या है भाई। एक और छापा फैक्ट्री हमने देखा और मुझे कुछ गाने जो मुझे इंडियन मूवीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, जैसे कि इमरान हाशमी का गाना इन्होंने बताया, कदीते हस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, बहुत सारे इसमें से कई सारे ऐसे गाने थे। नुसरत साहब के पुराने गाने हम आज भी लगाकर सुनते हैं, गाड़ी वगैरह में, अपनी कार वगैरह में कहीं जाते होते हैं तो सुनते हैं उनकी कव्वालियाँ, उनके गाने जो पुराने होते हैं, सो उसका फ़ील अलग ही होता है, जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसको कई सारी चीज़ें आप आज उसको तोड़ मड़ोड़ कर आज नए अंदाज़ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फील नहीं आता है। पुराने गाने जो थे उनको रीमेक किया जा सकता है, आज पहले से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लोग चाहने वाले ज़्यादा हैं म्यूज़िक को, आज पहले से ज़्यादा कदर हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, तरक्की मिल सकती है, लेकिन ओरिजिनल और
उसका रीमेक या फिर नया बनाने में आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ओरिजिनल को ओरिजिनल की जगह पर ही रखा जाएगा। आप देखते हैं कि ये चीज़ कॉपी निकल रही है तो पता चलता है कि हाँ ओरिजिनल की क्या कदर होती है और कॉपी की क्या कदर होती है, भले ही वो ज़्यादा लोगों को पसंद आया हो चला हो आज के ज़माने में। सो, मुझे भी वैसा ही फील हुआ कुछ यार कि ये कॉपी है यार, मैंने ये भी सुना था, ये भी बड़े दिल से सुना था। सो वैसा कुछ फील होता है। बाकी आपने हमारा वीडियो देख ही लिया होगा एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है जो मैंने आपके रिव्यू में रखा आपके सामने। अब बाकी आप अपना नज़रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइन।